दोस्तों, क्रिकेट का खेल अपने आप में रोमांचित कर देने वाला है और हम क्रिकेट फैंस के तो रग रग में भी क्रिकेट ही बहता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसी शानदार खेल से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हर फन वाला, और आज जानेंगे कुछ क्रिकेट से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने सबसे तेज वनडे शतक लगाने के लिए सचिन तेंदुलकर के बैट का इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल शाहिद अफरीदी को 1996 में वेस्टइंडीज से नैरोबी में पाकिस्तान टीम के लिए खेलने के लिए भेजा गया, लेकिन उनके पास बैट अवेलेबल नहीं था और तभी वकार यूनिस ने सचिन तेंदुलकर से बैट लेकर अफरीदी को दिया और अफरीदी ने दोस्तों इसी बैट से शानदार शतक लगाया, जो उस समय का सबसे तेज शतक था सिर्फ 37 बॉलों में। दोस्तों, क्रिस गेल टेस्ट मैच की पहली गेंद पर ही छक्का लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। जी हाँ, 137 साल के टेस्ट क्रिकेट में किसी भी क्रिकेटर ने टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का नहीं लगाया, लेकिन क्रिस गेल ने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू मैच खेल रहे सोहन गाजी की पहली ही बॉल पर यह उपलब्धि हासिल की थी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर अब्बास अली बेग को टेस्ट मैच के दौरान एक महिला फैन ने किस किया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब अब्बास अली बेग ने 1960 में ब्रेबोर्न स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में तो एक सुंदर सी युवा लड़की बल्लेबाज का अभिवादन करने के लिए नॉर्थ स्टैंड से दौड़ी और उसने बेग के गाल पर किस किया। दोस्तों, विनोद कांबली का टेस्ट मैच औसत उनके बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर से बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि विनोद कांबली ने केवल 17 टेस्ट मैच ही खेले, जिसमें दो लगातार दोहरे शतक भी शामिल थे, विनोद कांबली का टेस्ट औसत 54.20 है, जबकि उनके बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर का 200 टेस्ट मैच के बाद औसत 53.78 का है। दोस्तों, हालांकि ये कोई तुलना या कंपैरिजन नहीं है। दोस्तों, केवल एमएल जयसिन्हा और रवि शास्त्री ही टेस्ट मैच के सभी 5 दिनों में बैटिंग करने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर्स हैं। भारत और इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले एकमात्र क्रिकेटर सैफ अली खान के दादा यानी इफ्तिखार अली खान पटौदी हैं। दोस्तों, लाला अमरनाथ टेस्ट क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन को हेड विकेट करने वाले एकमात्र बॉलर हैं। ऐसा 1948 के ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में हुआ था। दोस्तों, भारत एकमात्र देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर, 20 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंग्लैंड के बैट्समैन एलेक्स स्टीवर्ट का जन्म 8 अप्रैल 1963 को हुआ था और लकीली उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8463 टेस्ट रन बनाए। दोस्तों, केन्या के आसिफ करीम ने अपने देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के साथ साथ टेनिस का डेविस कप भी खेला है। इंग्लैंड के क्रिकेटर विलफ्रेड रोड्स ने सबसे लंबा यानी 52 साल की उम्र तक क्रिकेट खेला। दोस्तों, एलन बॉर्डर एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने लगातार 153 टेस्ट मैच खेले और ये अपने आप में एक मिसाल है। दोस्तों, 11 नवंबर 2011 की सुबह साउथ अफ्रीका को 11:11 पर जीत के लिए 111 रन चाहिए था। यह संयोग साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केपटाउन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान हुआ था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पीटर सिडल अपने जन्मदिन के दिन पर हैट्रिक लेने वाले एकमात्र बॉलर हैं। उन्होंने 25 नवंबर 2010 को इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के दौरान ये कारनामा किया था। दोस्तों, भारत के बल्लेबाज मोहिंद्र अमरनाथ हैंडलिंग द बॉल और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए आउट होने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर द वीडियो, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।